हेलो दोस्तों, मैं प्रेमता अग्रवाल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने का शरबत। ये हमने पुदीने ले लिए हैं, इनकी डंडी को हमने हटा दिया है और ये पत्तियां हमने छांट करके सारी ले ली हैं। आजकल पुदीने खूब आ रहे हैं, आप इससे शरबत बनाइए और अपने परिवार फैमिली को पिलाइए। और आप इसको बना करके रख भी सकते हैं, इसकी चटनी बना के आप रख लीजिए, जब आपका मन करे तो आप तुरंत उसको घोलिए और पीजिए। इसके लिए ये आधा हमने नींबू ले लिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा ये काला नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक, एक छोटी इलायची और अदरक का टुकड़ा, और ये थोड़ी सी एक चम्मच चीनी, क्योंकि हम केवल एक गिलास शरबत बना रहे हैं, एक गिलास शरबत बना रहे हैं, इसके लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शरबत बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अगर आप कम बना रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। एक गिलास के हिसाब से हमने इन सब चीज़ों को ले लिया है। हमने ये मिक्सर जार ले लिया, इसमें इन पुदीनों की पत्तियों को हम डालेंगे। इसको 3-4 पानी से हमने अच्छी तरह से खूब साफ करके धुल लिया है। अब इन पत्तियों को इसमें हम डाल देंगे, और ये चीनी है, इस चीनी को भी इस एक चम्मच के से भर कर, ये चीनी है, इस चीनी को भी हमने डाल दिया है। ये अदरक है, अदरक के ये एक टुकड़ा अदरक है, इसको महीन महीन छोटा छोटा हम करके डालेंगे, जिससे कि अच्छे से पिस जाए। अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो डालिए, अगर आपको अदरक का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसमें 2 काली मिर्च, एक गिलास शरबत में 2 काली मिर्च डाल सकते हैं, खड़ी वाली। और ये एक इलायची है, इसको भी हमने डाल दिया है। और ये सेंधा नमक है, इसको भी डाल दिया है। काला नमक है, इसको भी हमने डाल दिया। और ये भुना जीरा है, इसको भी हमने डाल दिया। अब सब चीज़ों को डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके हम अच्छी तरह से बिल्कुल पतला, खूब पतला पेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल हमने महीन, देखिए बिल्कुल महीन पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल महीन हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया। अब एक हमने बाउल ले लिया है, इस बाउल के ऊपर इस छन्नी को हमने रख लिया है। अब इसमें जो ये पेस्ट हमने बनाया है, इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम छान लेंगे कि जिसमें कोई भी रेशा पत्तियाँ वगैरह कुछ ना हो, इस तरह से छान लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके और हम अच्छी तरह से इसको इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से हमने खूब अच्छी तरह से छान लिया है। अब ये एक चम्मच हमने सौंफ ले लिया है, इस सौंफ को भी इसी मिक्सर जार में हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भी खूब महीन अच्छा सा हम पीस लेंगे। आप चाहें तो सौंफ को सब चीज़ों के साथ डालकर भी पीस सकते थे, पर इस तरह हम इसको अलग से पीस रहे हैं। ये सौंफ भी हमारी खूब अच्छी तरह से देखिए पीस गई है। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे, इसी मिक्सर में डाल देंगे और अच्छी तरह से इस तरह छान लेंगे। और जो ये आधा नींबू है, इस नींबू को भी हम इस तरह से निचोड़ देंगे, जिससे कि इसके बीज इसमें ना जाएं। इसमें हमने नींबू का रस भी मिला दिया है। अब ये एक गिलास हमने ले लिया है, इस गिलास में सारे शरबत को हम डालेंगे पुदीने वाले। और ये हमने बर्फ ले लिया, इस बर्फ को भी हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारा पुदीने वाला शरबत बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसमें 4-5 बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक पुदीने का शरबत हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये गर्मियों के समय में पीने के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। आप भी इस तरह से बनाइए, इसकी चटनी बनाकर आप पुदीने की, अदरक और सब चीज़ों की चटनी बना करके आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपका मन करे तो आप इसको निकालिए, ठंडे पानी में घोलिए और इस तरह से जब भी आपका मन करे आप पी सकते हैं। नहीं तो फ्रेश पुदीना लाइए, उससे भी ताज़े ताज़े बनाइए और पीजिए। इस समय पुदीने खूब आ रहे हैं।
ये हमारी गर्मी को शांत करता है और हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद शरबत है। इस तरह से एक बार आप भी बनाइए, अपने परिवार, बच्चों, फैमिली को पिलाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।